हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं आ गया हूँ सत्या भाई के गांव, यह सत्या भाई का गांव है। तो दोस्तों मैं यहां पे आ गया हूँ सत्या भाई से मिलने के लिए। तो दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा सत्या भाई का घर कैसा होता है, कैसा है, और यह उनका गांव है दोस्तों, देख सकते हैं। और उनके गाँव पे यह मट्टी का घर है दोस्तों, जिसे मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल से भी विक्टोरिया चैनल, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए। देख सकते हैं दोस्तों यह मिट्टी का और खपड़े का घर है, जिसे मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। सत्या भाई के गांव में पूरा मिट्टी और खपड़ेले का घर है। पहले के जीवनी में लोग खपड़े के घर में कैसे रहते थे दोस्तों, आज उसे मैं दिखलाने का प्रयास करूंगा। यह देख सकते हैं यह पूरा खपड़े का घर है, मिट्टी के घर है, मोटी मोटी दीवारें हुआ करते हैं इस मिट्टी के घरों में। तो दोस्तों यहाँ पे सत्या भाई भी है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भैंस वैस भी लोग रखे हैं दूध 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 के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं इधर नज़र घुमाएंगे उधर सब मिट्टी का ही घर दिखाई देगा, खपड़े का ही घर दिखाई देगा। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मिट्टी का कितना खूबसूरत मकान है खपड़ेले का, इसे नारियल थपुआ बोलते हैं, जो छत के जैसा ढाला बनाया गया है उसे नारियल थपुआ बोलते हैं। और आगे यह पतरे का है, और आगे देख सकते हैं दोस्तों ऐसे मकानों को बनाने के लिए इंजीनियर भी फेल हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग बहुत ही अजीब तरीके से घर बनाया करते थे। ऐसे मिट्टी के घरों में और खपड़े के घरों में काफ़ी ठंड रहता है, और गर्मियों के दिन में काफ़ी ठंड रहता है, और ठंड के दिन में काफ़ी गर्म फीलिंग होता है ऐसे घरों में। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी काफ़ी यहाँ पे रखा हुआ है, और इस मिट्टी का मटका उटका बनता है। और यहाँ पे सत्या भाई भी हैं, आज हम लोग मिलाएंगे आज उनसे। दोस्तों आज हमारे साथ वीडियो में बने रहे, आज के दिन मजा आने वाला है, क्योंकि आज मैं पुराने से मकान दिखाने वाला हूँ, जो कि माटी खपड़े का है, नारियल थपुआ का है। और यहाँ पे देख सकते हैं सत्या भाई हैं यहाँ पे। सत्या भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह हमारे सत्या भाई हैं, बहुत ही मजेदार आदमी है। और क्या चल है? सब बढ़िया है भैया। देखिए मैं अपने गांव में हूँ, और बस यही गिरी अवस्था जो है वो हमारे पूर्वजों का है। और ये क्या है हाथ में आपके? ये फावड़ा, ये जैसे कि एक तरह से फावड़ा का काम करता है, लकड़ी का बना हुआ है, जैसे गोबर ओवर हो या कभी खेतों में जो जुताई हो जाती है तो उसका मेढ़ी बनाना होता है, तो यही काम आता है। ये भी काम आ जाता है? जी जी। अरे आपके सब गाय पशु हैं? सब ये हमारे चाचा की है। सब आपके चाचा की है? तो ये जो गोबर सब पड़ा है उसी को हटा रहे हैं क्या? आप गाय का गोबर शुद्ध होता है सर। हाँ। किस किस काम में आता है ये गाय का गोबर? अरे बहुत काम आता है, देखिए गृहिणी जीवन में, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो जीवन है इसमें इसका बहुत बड़ा उपयोग है। हम लोग घर का जो पोताई लिपाई होता है उसका भी उसको भी कर लेते हैं, और साथ में विजय भैया अब तो देखिए जो है कि इसका एक से एक मूर्ति भी बन जाती है गोबर का, इसका जो है कि धूप बत्ती भी बनती है, और जो कि बहुत प्रचुर इसका बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। जी क्या बनाता है इसका? क्या है कि अगरबत्ती भी देखिए इसका बन जाता है, अगरबत्ती भी, अगरबत्ती धूप बत्ती, अगरबत्ती धूप बत्ती प्लस इसका दिया, इसकी मूर्तियां भी बनती हैं, क्योंकि एक गौ गोबर है जो कि हमारी गौ माता हुआ करती हैं, और इसमें बहुत बहुत सब ऐसे प्रोडक्ट है। और इसका वो भी बनता है क्या, जैसे खाना पकाने के लिए क्या बनता है? गोईठा। हाँ, गोईठा भैया, गोईठा ही ना बनी तो का बनी, हमारे का गोईठा बढ़िया रहे। गोईठा का खाना भी अच्छा लगता है। आइए हम दिखा, अपना घर दिखा दीजिए आप, आज आपका घर देखने आए हैं। हमारा तो घर तनी गाँव में पड़ेगा, चाचा घर है, देखा नदी नदी वो पर हमारे घर, हमारे चाचा का घर है, हमारे चाचा का घर है बहन, जिसे की देखा वो पुराना वाला दृश्य पीवा, जो पहले के समय जो मिट्टी और नारियल थपुआ के घर में रहा करते थे लोग। तो दोस्तों देख सकते हैं यह नारियल थपुए का मकान है, और देख सकते हैं वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है छत के ऊपर वो कलाकृत है। जैसे क्या होता कि होता था कि पहले के समय लोग इसी तरह मकान बनाते थे, पहले
ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान को बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर भी आप देखते होंगे, लेते हैं लोग एक टावर बनाते हैं, जैसे कि जब बिजली कड़कती है, बिजली मारती है ना, तो वो जो है उसको अवशोषित करके घर को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, वो क्या करता है कि सीधा वहां से जब आकाशीय बिजली मारती है तो सीधा वो शोषित करके वो नीचे कर देता है। ये विज्ञान है, विज्ञान जो कि हमारे भले हमारे जो कि पूर्वज या हमारे घर के जो कि जो पुराने घर के सदस्य गण थे, जैसे बाबा थे, बाबा के बाबा थे, जो कि पुराने लोग थे, भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतना वास्तु दोष का उनको बहुत जो है कि बहुत बड़ा ज्ञान था और बहुत बड़ा अनुभव था। और देखिएगा बिल्डिंग में एक जब कोई बहुत बड़ा टावर बनता है ना, तो ये लोहे का बनाते हैं, लेकिन वही काम वो भी करता है। कभी बिजली मारते हुए सुने हैं कि देख सकते हैं किस चीज का बात है, जो नारियल थपे के ऊपर जो लगा हुआ है उसका बात हो रहा है, उसी का बात हो रहा है। और देखिए तो दोस्तों देखेंगे आज मैं नारियल थपुए और मट्टी का जो मकान है, आज अंदर के घर का भी दिखाऊंगा। ये हमारी चाची है, ये आंटी जी हैं। हाँ तो नहीं है चाची। और देखिए विजय भाई, सबसे पहले ये बताइए कि साड़ी का मजदानी है कि क्या है। भैया देखिए एक बात बताने विजय भाई कि जब वो जो मच्छरदानी होती है जो हम लोग खरीदते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से मच्छर तो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन पूरा 100% गारंटी है कि मच्छर छोड़िए, इसमें हवा भी घुसता है तो बड़ा सोच समझ के घुसता है। इसमें हवा भी घुसता है तो सोच समझ के घुसता है। खटिए पर भी लोग सोते हैं। अरे खटिया है भैया, देखिए ये सब आयुर्वेद का है, बहुत बड़ा जो है कि एक तरह से औषधि पे हम लोग सोते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को जब खाना बनाना होता है ना, कभी बहुत बड़ा फंक्शन होता है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, देखिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, इसका मटके का। इसमें क्या मटन चिकन बनाते हैं? अरे मटन चिकन छोड़िए, अभी देखिए नवरात्र चल रहा है, अभी तो मटन चिकन वाली बात नहीं है, क्योंकि घर की साफ सफाई हमारी चाची कर रही है। तो ये मटके में जो भी प्रसाद वगैरह बनाना होता है, जिसे दूध चढ़ाना हो या तो कोई भी किसी देवी देवता को चढ़ाना होता है, तो हम लोग इसी कच्चे मटके का यूज करते हैं। कच्चे मटके, ये भी कच्चा है, ये तो पूरा कच्चा है। ठीक है, और भी कुछ घर के बारे में बताइए। दिखाइए घर के बारे में है ना विजय भाई, कि लोग पेंट करते हैं ना, हम लोग प्राकृतिक पेंट करते हैं। प्राकृतिक आइए देखो कैसे चाची कर। तो दोस्तों प्राकृतिक पेंट आप सभी को दिखाने वाला हूँ मट्टी के घर में। देखिए हमारे भैया का लड़की पूरा प्राकृतिक पेंट में डूबी है। देखिए पीछे से लेके आगे तक, पीछे से लेके आगे तक। देखिए चाची हंस रही है क्योंकि चाची को बड़ा खुश हो रही है कि मेरे ये जो है ये क्या है। भैया देखिए पहले जो क्या था ना, इससे सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब तो ये पतरा आ गया, लेकिन पत्र जो ऊपर देख रहे थे जो छाया हुआ है नरिया पटरी का, तो इसको हम लोग सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता था। देखिए चाची हमारी पेंट कर रही है, देख सकते हैं लिपाई चल रहा है, मट्टी का लिपाई हो रहा है, यहाँ पे सब कर दिया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों देख सकते हैं पर सुगंध, विजय भैया सुगंध देखिए कितनी खूबसूरत आ रही है, बहुत मिट्टी का बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। तो यही, और देखिए ये पहले पुराने जमाने का कुंडा, देखिए कुंडा है जिसमें हम लोग धान चावल या जो भी चीजें होती थी ना, तो इसमें हम लोग स्टोर करके रखते थे, इसमें गुड़ भी भरा जाता है। ये देखिए इधर उससे बड़ा कुंडा, ये इसको भी दिखाने का प्रयास करें जी। तो दोस्तों देख सकते हैं यह कुंडा है जो कि मटके का बना हुआ है, मट्टी का, पूरा मट्टी, पूरा मट्टी है, पूरा मिट्टी है दोस्तों, यह मिट्टी का बना हुआ है। और यह सत्या भाई है हमारे। हाँ, सबसे बड़ी बात देखिए भैया, ये जो है ना जो गौरैया चिड़िया होती है जी, या कबूतर होती है जी, तो हम लोग पहले से ही देखिए जो कि हमारे पूर्वज थे ये पहले से ही उनका व्यवस्था बना के रखे थे अपने आप में जी। चिड़िया और गौरैया, अरे जैसे गौरैया हो गई, कबूतर हो गई, इनके लिए पहले से ये देखिए बनाया गया है। और सबसे पहले की कि इसमें कितना ठंड फीलिंग हो रहा है इसमें। भैया देखिए इसमें हम बता रहे विजय भाई कि आप बिना पंखा के जी, बिना पंखा के जो कि भरपूर एसी का आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत क्यों नहीं, इतना आनंद आ रहा है जो
मिट्टी का सुगंध है। ये देखिए हमारा जो 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 हमारे चाचा का घर है पूरा पेवर मिट्टी का ही, मतलब देखिए पूरा अंदर से लेके अंदर देख रहे हैं ना, अंदर से लेकर के ये पूरा देखिए, ये सिर्फ बांस पटरिया लकड़िया और खेत का जो भी जो कि सरकंडा वगैरह जो भी निकलता है तो उससे ये मकान बना है। और ये इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और गजब दिखाई दे रहा है। बचपन हम लोग भी कभी मिट्टी के घर में रहा करते थे लेकिन आज दूसरे के घर में देख रहे हैं, क्योंकि हालांकि हम लोगों का मिट्टी का घर ना कि पक्का मकान बन गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से घर है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मटकी उटकी बनता है, जो चरखा चलता है मिट्टी बनाने वाला मटकी उसका यह है मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। यहाँ पे देख सकते हैं वो साड़ी का वो मस्तानी बनाया गया है और वो अचारा बालने वाला मशीन है दोस्तों, देख सकते हैं चारा बालने मशीन के पूरे। और ये अचारा बालने वाला मशीन है दोस्तों, देख सकते हैं जैसे कि चरी हो गया, बरसिंग हो गया और सरसों हो गया, जब सरसों अभी हरा रहता है तब इसमें बाला जाता है, काटा जाता है। इसको दो आदमी मिल करके चलाते हैं और यह जो है इसको जो ये आप देख रहे हैं इसमें रख करके तब इसमें धराते हैं तब यह चलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं गाय भैंस को खिलाने के लिए चारा बालने के लिए इसका उपयोग होता है, यह पूरे लोहे का चीज है दोस्तों। और यहाँ पे दिया भी है दोस्तों, देख सकते हैं यह दिया, पहले के समय जब बिजली गांव में नहीं हुआ करते थे तब दिए का उपयोग लोग किया करते थे घरों में। और इसको देख सकते हैं दोस्तों यह दिए को उतार के दिखा रहे हैं आपको, यह मिट्टी के तेल से दोस्तों जलता है और यह घर के दीवारों में टांग दिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इस पे रखा जाता है दिए को ताकि पूरे घर में उजाले रहे, लेकिन अब तो बिजली से बल्ब चल दिया है तो आज घर में जो रहता है, लेकिन पहले इसी दिए का उपयोग किया करते थे लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यह मिट्टी का चरनी है, यह मिट्टी का चरनी, इसमें गाय भैंस को खिलाया जाता है जो कि देख सकते हैं पूरे मिट्टी का बना हुआ है। और यह पूरे मकान जो देख रहे हैं पूरा मिट्टी का बना हुआ है, देख सकते हैं खपड़े और मिट्टी का, जिसे मैं आप सभी को घर में जाकर के दिखाया था। और ये नारियल ऊपर नारियल थपुए के ऊपर जो बना हुआ है उसी के बारे में बात हो रही थी जिसे आप सभी को दिखाया। यह पूरे मकान देख सकते हैं दोस्तों मिट्टी का बना हुआ है। तो दोस्तों आज भी गाँव में मिट्टी और नारियल थपुए के मकान देखने को मिल रहे हैं, आज भी गाँव में लोग मिट्टी के मकानों में रहते हैं। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। मैं यूट्यूब चैनल से विजय विक्टोरिया, जय हिंद जय भारत।